देखिए हमारा ग्रीन फिश मसाला यहाँ पे बनके तैयार है। ये बहुत ही दिखने में भी सुंदर है और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए अपने घर पर और खाइए। और पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, हमारे फासुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ग्रीन फिश मसाला किस तरीके से बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो आज हम इसे बनाने वाले हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए है फिश ली है हमने यहाँ पर, और फिश को हमने अच्छे से साफ करके ले लिया है। हरा धनिया कटा हुआ, हरी मिर्च हमने टुकड़ा करके तोड़ कर ली है डंडी इसकी, एक कांदा लिया है कट करके, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, और हमने यहाँ पर लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ, कोकोनट मिल्क भी लिया है हमने, और एक टमाटर लिया है कटा हुआ। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने मिक्सर का बर्तन ले लिया है। मिक्सर के बर्तन में हम डालेंगे कांदा, हरी मिर्च और हरा धनिया हम डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब हम इसे बारीक पीसकर इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब हमने इसका पेस्ट बना के लिया है अच्छे से। अब हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं इसकी। अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रख देंगे गैस पर, कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डाल देंगे, तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम ये पिसा हुआ ग्रीन मसाला डालेंगे। मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तेल में। अगर इसके छींटे उड़ने लगे तो आप इसको ढककर रख सकते हैं। तो देखिए हमारा ग्रीन मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, तेल भी इसमें से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं कटे हुए टमाटर। टमाटर को हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हमें टमाटर सॉफ्ट कर लेना है। देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है मसाले का। ग्रीन मसाला हमारा अच्छे से कलरफुल हो चुका है अब। तो अब हम इसमें डालते हैं, अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करते हैं। तो हम पहले डालेंगे जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक। नमक हमने यहाँ पर डाला है स्वाद के अनुसार। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला, इसे हम एक साथ डाल देते हैं और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसे। मसाला बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है हमारा ग्रीन मसाला। अब हमें इसमें डालना है फिश, एक एक करके हम इस तरीके से फिश को डाल देते हैं। फिश हमने डाल दी है, इसे हम अच्छे से पहले मिला लेते हैं मसाले में। अब इसमें हम डालेंगे कोकोनट मिल्क और इसे हम इस तरीके से मिला लेते हैं ताकि हमारी मच्छी ना टूटे, नहीं तो हमारी फिश टूट जाएगी अगर हम चम्मच से ज़्यादा इसे मिलाएंगे तो। तो देखिए इस तरीके से हमने इसमें कोकोनट मिल्क डाल दिया है, बहुत अच्छा कलर आ चुका है फिश का हमारा। इस तरीके से हम मिला लेते हैं बीच में, मच्छी पे हमें नहीं रखना है चम्मच, नहीं तो मच्छी टूट जाएगी। अब हम इसे 2 मिनट पकने देंगे। तो देखिए अब हमारी ग्रीन फिश मसाला यहाँ पे तैयार है। तो हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे हम प्लेट में निकाल के सर्व करते हैं। देखिए हमारा ग्रीन फिश मसाला यहाँ पे बनके तैयार है। ये बहुत ही दिखने में भी सुंदर है और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए अपने घर पर और खाइए। और पसंद आया तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।